Good afternoon, teachers and our DA students. Good morning, all of you. DA students, I promised last day to tell the manners, and I said if the guest comes to you, how will you receive? So, आज मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर आप गिफ्ट सुनना चाहेंगे कहीं पे तो आपकी एक्टिविटीज क्या होगी, मैनर्स क्या होंगे। देखो, जब भी आप गिफ्ट बनकर कहीं जाते हैं, जाने के बाद जो उसका गोल होगा वो हम नाम करेंगे, या कॉल बेल है तो कॉल बेल को पुश करेंगे, कॉल बेल को एक बार पुश करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। और पुश करने के बाद आपका फ्रेंड डोर की ओर नहीं होगा, या तो डोर से आप साइड हट जाएंगे या पीछे। आएगा समझ में? फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर आप गेस्ट बनकर कहीं जा रहे हैं तो जाने के बाद आप डोर को बंद करेंगे, डोर लॉक करने के बाद आप क्या करेंगे? पीछे घूम जाएंगे, सामने आप डोर के बीच सामने खड़े होंगे, आमने सामने ऐसे नहीं खड़े। मैंने ये नहीं कर दीजिए, ये पहला मैंने आई बस सुन। एक बार कॉल में आपने प्रेस किया, थोड़ा वेट करेंगे, टाइम बाइट हो गए, अगर कोई आया ठीक है, नहीं आया तो एक बार और पुश करेंगे, नहीं आया तो थोड़ा वेट करके एक बार और पुश करेंगे, तीन बार से ज्यादा नहीं करें, ये नहीं कि अपने पर वहां पुश करेंगे। और एक बार पुश करने के बाद या दरवाजा लॉक करने के बाद आप पीछे होंगे, उसके बाद जो होस्ट आएगा वह एक्टिविटी आपको बनाएंगे, वो स्माइली आपसे आपका अभिवादन करेगा, अभिवादन करने के बाद आपको गेस्ट रूम ले जाएंगे बैठने। तो अगर आप गेस्ट हो और ड्राइंग रूम में आपको बैठा रखा है, तो अब ये नहीं कि ड्राइंग रूम में जैसे ही आप बैठे तो सोफे की शीट खराब कर दी, या बेड पे बैठे तो बेडशीट को मोड़ दिया। जो बैठने का मैनर आपको बताया गया और ड्राइंग रूम की कोई भी चीज को टच नहीं करें, ये नहीं कि वहां अगर कोई वेट लगा हुआ है, कोई बुके सजा हुआ है, कोई सीनरी है, कोई वाइन है, या बहुत सारी चीजें सजाने के लिए ड्राइंग रूम में लोग लगा देते हैं, आप उसको टच नहीं करेंगे, ना ही होस्ट के का कोई सामान आप टच करेंगे, बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ये मैनर है। खाने का मैनर ने ये बताया था कि आप जब हैंड वॉश करेंगे तो अपना हाथ यंग नहीं करेंगे, बताया था, और ये भी चेक करेंगे कि हाथ आपका कैसे साफ है, उसको अच्छी तरह से धुलकर ऐसे कर लेंगे, और ड्रॉप देखेंगे कि ड्रॉप अगर बिल्कुल साफ है तो समझ जाएंगे कि है आपका क्लीन है साफ। बाय द वे, आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में गए, वहां आप टेबल पे बैठे, बैठने के बाद जो वेटर है वो वेटर आपके पास एक ब्रश लेकर आएगा, एक पतली सी बुक लेकर आएगा, उसमें बहुत सारे डिश के नेम होंगे, तो उस ब्राशर को कैसे पकड़ना है और कैसे ओपन करना है। आप दो तीन लोगों को बैठे हो, सलीके से बैठने का आपका मन पता है, आपको कैसे बैठना है, उस ब्राशर को ऐसे ऐसे नहीं ओपन करेंगे कि आपका चेहरा ढक जाए, उस बुक को ऐसे ओपन नहीं करना है कि आपका चेहरा ढक जाए, जैसे ऐसे
नहीं, वो ऐसे होगा। आई मस्ट टेल मी कितने लोग मेरे क्लास में, बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वेश्चन है उसको ऐसे ओपन करते हैं कि जो आपके सामने वाला आपका फ्रेंड है या आपका ब्रदर, आपका सिस्टर, आपकी सिस्टर जो है वो केवल आप ही देख रहे हैं और वो देख ही नहीं पाए, आपको ओपन करना है। बेटर भी होगा कि उस टेबल पे ही आप टर्न करके देख लो। आई बात समझ से वो आप आदर देंगे। दूसरी चीज, अगर प्लेट वेटर लाकर आपके टेबल पे प्लेट रख दिया या स्पून या फोर स्पून सर्विंग जो भी रखता है, अगर वो अनफिट है, टूटी है, गंदी है, तो आपको वेटर को यही बोला है वेटर नहीं है ना, नो, कभी भी ऊंची आवाज तो अच्छी मानी ही नहीं गई है। एक सिलाइट पर्सन के लिए जोर से बोलना अच्छा नहीं मानी गया। आप केवल इशारा करें, चेहरे ऐसे ऐसे। वेटर अगर हाई फाई होटल का तो समझ गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लोकल होटल में गए हैं, वहां का वेटर पढ़ा लिखा नहीं है, तब तो आपको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन मैं एक सिविलाइज्ड एक आइडिया से बोल रहा हूं, अगर आप होटल में गए हैं आपको कोई जरूरत है तो क्या बोलो, इशारा करो, वेटर की तो देखो तो वेटर देखता है क्या, बस केवल ऐसे इशारा करेंगे वो आते। ये भी नहीं करना चाहते, इशारा भी नहीं करना चाहते, आपकी प्लेट गलती है ठीक है, तो आप स्पून देगा वो स्पून रहते प्लेट में फोर स्पून, तो उसको ट्रांस करके रख देगी अगर केवल प्लेट है तो वो समझ जाएगा कि ये प्लेट को उठाना है, वो क्या चला जाएगा, समझ रहे हो। तो फिर आपके लिए इतना ही, कल इसी शेयर में और बताया जाएगा कि आपको जब खाना शुरू करना होगा तो क्या स्टेप। अच्छा बताओ, इतना सारा मैनर मैंने बताया, बैठने का तरीका बताया, चेयर पे गेस्ट आ रहे हैं तो उसको रिसीव करना है, गेस्ट बन कर गए हो तो क्या करना है, ये सारी बातें क्या आप बिहेव में ला रहे कि केवल सुन ही रहे, इसको बिहेव में लाना है, अपने व्यवहार में लाना है। अब धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी और आप एटीट्यूड अच्छा बताओ, जोर से बोलना ये सिविलाइज लोगों की पहचान है नहीं, क्या सिविलाइज लोग जोर जोर से बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। इसलिए घर में या कहीं पर आप अपनी आवाज का जो वैल्यू है, मैंने सुना है अपने पड़ोस की आवाज, और बाहर बहुत लोग दरवाजे पर आएगा कोई बुलाने के लिए, आप जाएंगे तो इतनी जोर से बुलाएगा कि दो चार घर के लोग सुने, या घर में ही मैं सुना हूँ बहुत सारे लोगों के लिए गया हूँ, तो बगल से बुलाएंगे अपने नाती पोता या बड़े लोग को भी, वो इतना जोर से बोलेंगे ए फला, मतलब पूरा पूरा जोर से, ये अच्छी चीज ठीक है। तो आज से अपना भाई क्या करेंगे कंट्रोल, thank you.